Hello everyone, so today we'll be seeing the origination of the sonnets and uh, you know for sonnets it is used to be said that it is a foreign importation hai. so why is it so? Bolte. We'll be seeing that too and then we'll see the difference between Italian or you can say Petrarchan sonnet, Shakespearean sonnet and Spenserian sonnet. So yeah, let's see. फर्स्ट क्वेश्चन दट कम्स इन माइंड इज कि सोनेट होता क्या है वॉट इज सोनेट सो बेसिकली इट इज अ स्मॉल लिरिक ऑफ फोर्टीन लाइन्स ये एक स्मॉल लिरिक है जिसमें फोर्टीन लाइन होते हैं इफ यू टॉक अबाउट द ओरिजिनेशन ऑफ द दोनेट सो इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन इटली इन द फोर्टीन सेंचुरी बाय द पोएट पेट्रार्क पहली बार इसको पेट्रार्क ने लिखा था इटली में एंड सो वाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ सोनेट्स एज ए सेट सोनेट जो है वो यू you नो know, उसकी ओरिजिनेशन जो हुई है वो इटली से हुई है एंड देन आफ्टर वो काफ़ी स्प्रेड हुआ यू नो लाइक जब रेनेसा इंग्लैंड में आया तो सोनेट भी इंग्लैंड में आया सोनेट वॉज यू कैन से वो इट वॉज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ रेनेसा वो एक इफेक्ट था रेनासा का नाउ सोनेट को यू नो इंग्लैंड में लाने का सबसे ज्यादा जो क्रेडिट है वो किसको जाता है वो सर थॉमस वॉट एंड हैनरी होवर्ट जिनको अर्ल ऑफ सरे भी कहते हैं उनको जाता है सो बेसिकली सिक्सटीन सेंचुरी में जब रेनेसा इंग्लैंड में आई तो सोनेट भी इंग्लैंड में आई बाय सर थॉमस वॉट एंड हैनरी होवर्ट एस बिकॉज इट इज ऑरिजिनेशन ऑफ इटली एंड इट है इटली टू इंग्लैंड ये इटली से इंग्लैंड तक सोनेट uh, ने ट्रैवल किया है सो वाई इट इज कोल्ड फॉर एन इम्पोर्टेशन या नाउ लेट सी दोनेटियर्स ऑफ फोर्टीन सेंचुरी एंड सिक्सटीन सेंचुरी सो द इटालियन एंड पेट्रार्कन सोनेट्स मेनली इटली में जो सोनेट्स कंपोज हुए पेट्रार्क के थ्रू उनको पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट्स कहा गया देन सिक्सटींथ सेंचुरी में वी हैव टू वेरी पॉपुलर सोनेटर्स शेक्सपियर एंड स्पेंसर सो ये दो बहुत पॉपुलर सोनेटर्स रहे हैं सिक्सटीन सेंचुरी में और यू कैन से रेनेसा में और या फिर आप एलिजाबेथ नेज में भी कह सकते हैं ऑल आर सेम थ्री सोनेटर्स इन अ सेम फ्रेम सो दैट्स बिकॉज आप फोर्टीन सेंचुरी के जो सोनेट्स हो गए हैं उसमें एंड सिक्सटीन सेंचुरी के जो सोनेट्स हो गए उनमें क्या डिफरेंसेस हैं वो फाइंड आउट कर पाए ओके एंड सो वाई आई हैव मैंशन दीज थ्री सोनेटियर्स एनी वेज नॉलेज सी सो ऑक्टिव फॉलोड बाय अ सस्टेट इनका लिखने का जो पैटर्न होता था यू नो पेड्राक की जो लिखने की पैटर्न होती थी आ, आपको शुरू में ही बताया ना कि फोर्टीन लाइन के सोनेट्स होते हैं तो इनका जो पैटर्न होता था ये आठ लाइन का लिखते थे एक स्टनजाज एट लाइन्स के होते थे और एक जो होते थे वो सिक्स लाइन्स के होते थे जो बेसिकली सबको हॉल करो या ऐड करो तो वो फोर्टीन हो जाता था शेक्सपियर के सोनेट्स के लिखने का पैटर्न क्या था ये थ्री क्वार्टर फॉलोड बाय अ कपलेट ओके फोर थ्री जो ट्वेल्व एंड लास्ट में दो कपलेट्स लिखते थे इनका भी सेम था थ्री क्वार्टरन फॉलोड बाय अ कपलेट वो एम्बिक पेंटामीटर होता था इन दोनों की जो राइटिंग्स होती थी वो एम्बिक पेंटामीटर होती थी नाउ मेजर डिफ्रेंसेज जो आपको इनके सोनेट्स में मिलेंगे वो राइमिंग स्कीम्स में मिलेंगे लाइक like, पेट्रार्क uh, की जो राइमिंग स्कीम होती थी वो ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई और ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी सी डी सी दिस वॉज द राइमिंग स्कीम ऑफ पेट्रार्क नाउ सेक्सपीरियन राइमिंग स्कीम जो थी सेक्सपियर की जो राइमिंग स्कीम थी वो थी ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी देन वी हैव स्पेंसर स्पेंसर नॉट स्पेंसर स्पेंसर की जो राइमिंग स्कीम होती थी वो ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी ई ई शेक्सपियर के एज एज सेड थ्री क्वार्टर एंड फाइनल कपलेट जो फाइनल कपलेट थे ना वो डिफाइनिंग फीचर होते थे सोनेट के विच मीन्स पूरे सोनेट्स में पूरे ट्वेल्व लाइन्स में, में उन्होंने जो भी क्वेश्चन किए हैं या जो भी क्वारीज दिखाए हैं या जो भी यू you नो know, उन्होंने जो भी लिखा हुआ है उनका आपको सोल्यूशन और यू कैन से अ काइंड ऑफ कंक्लूजन मिल जाता था कपलेट में ओके okay, सो so ये शेक्सपियर की जो एक स्टाइल थी या एक जो पैटर्न था वो था एनी वेज सो लेट्स मूव ऑन एंड सी हाउ मेनी सोनेट्स रिटन सो पेट्रॉक ने जो है ओवर थ्री हंड्रेड सोनेट्स लिखे हैं एंड उन्होंने अपने सारे सोनेट्स जो है वो लॉरा को डिनोट किए हैं नाउ हु हुस लॉरा ये इनकी लव इंटरेस्ट थी जो किसी और की वाइफ थी एनी वेज शेक्सपियर ने वन फिफ्टी फोर सोनेट्स लिखे हैं एंड uh, इन्होंने भी अपने सोनेट्स को जो है वो एक डार्क लेडी को डिनोट किया है और यू कैन से हैंसम एंड अल्यूरिंग यंग मैन को भी डिनोट किया है आंसर है इन्होंने अपने सोनेट्स को एलिजाबेथ बोयल को डिनोट किया और एड्रेस किया जो कि इनकी वाइफ थी इन्होंने 89 नाइन सोनेट्स लिखे तो यस दीज सम डिफरेंसेज आई होप आपको समझ में आ गए हों कि राइटिंग uh, पैटर्न में डिफरेंस हैं राइमिंग स्कीम में डिफरेंसेज हैं देन अगर सिमिलैरिटीज की बात करें देर वर सो मैनी थिंग्स जो uh, इन तीनों में सिमिलर्स भी थे फॉर एग्जाम्पल uh, इनकी जो रिदमिक पैटर्न थी तीनों की ही एम्बिक पेंटोमीटर थी देन तीनों uh, ने ही अपने सोनेट्स में किसी को एड्रेस किया है एक्चुअली अपने लव्ड वन को एड्रेस किया है थीम्स जो होती थी सोनेट्स की वो लव ब्यूटी मोर्टेलिटी टाइम ये हुआ करती थी सो बिसाइड्स दीज थ्री वी हैव सम मोर सोनेट राइटर्स फिलिप सिडनी सैम्यूल डैनियल माइकल ड्रेटन एंड अफकोर्स स्पेंसर हिमसेल्फ सो इन लोगों ने स्पेंसरियन स्टाइल को या उनके पैटर्न को फॉलो किया एंड दे बिलोंग फ्राम सिक्सटीन सेंचुरी by the way we are running short of time let's see the characteristics of elizabethan sonnets quickly so the first one is foreign influence variety of themes is the second and reflection of the spirit of age is the third one so what does this first point says about sonnet is the sonnet ko foreign importation kaha jata hai, to england ke jo sonneteers the, ki edmund spencer william shakespeare philip sidney everybody they were very much inspired and influenced by the petrarchan sonnet or italian sonnet Wo, पेट्रारकम सोनेट से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे एंड उन्होंने पेट्रार्क के सोनेट को फॉलो किया बट उसमें एक अपना ही टेस्ट या एक अपनी ही फ्लेवर और यू कैन से ट्विस्ट एंड टर्न डाल के उसको रीडर्स के सामने प्रेजेंट किया सो वॉट वर दोज ट्विस्ट एंड टर्नस वो हम पहले पढ़ चुके हैं राइमिंग स्कीम हो सकती है राइटिंग पैटर्न हो सकती है इट कुड भी एनी थिंग ओके एनी वेज वेराइटी ऑफ थीम्स बड़े सारे अलग अलग डिफरेंट थीम्स उन्होंने यूज़ uh, किया सम ऑफ द थीम्स आर टाइम ब्यूटी लव रिलीजन एंड सो ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिट ऑफ एज बेसिकली आप यू uh, नो you know, जब स्पेंसर की सोनेट्स को पढ़ेंगे या जब आप विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स को पढ़ेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर एज के बारे में बड़ी सारी नॉलेज मिलेंगी सो या दिस इज इट अबाउट सोनेट्स एनी वेज इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट एक्सपीरियंस ऑन इट्स सो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अडियो ऑन इट सो आई ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डू वॉज दैट थैंक यू